एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया, बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से टकराता है। अरे ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा। किट्टी से जाकर पूछती हूँ। ये तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है, शायद मुझे पता है। तबड़ेक तबड़ेक। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, बदली का इतिहास। उसमें लिखा था कि कई साल पहले एक कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा, फिर सारा धन लूट कर कहीं छुपा दिया था। कहीं भूल न जाऊं इसलिए उसका एक नक्शा बना दिया था। हो सकता है यही वही हो। तारा अब मजा आएगा, हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। याहू! मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सीमा, सीमा क्या तुम्हें जोश भरे साहस वाले कामों में मजा नहीं आता? ऐसी बात नहीं है अदरक, मम्मी मना करती है घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से। मम्मी कहती है लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, सिलाई खाना बनाना जैसे काम ही करने चाहिए। सीमा कितनी बार कहा है लड़कों की तरह बाहर खेलने मत जाया करो, लड़कियां घर में रहकर सिलाई सीखती है, खाना बनाना सीखो। मैं तो अपने बटन खुद लगाता हूँ, पर मैं तो लड़की नहीं हूँ, मैं तो लड़की होकर भी बाहर खेलती हूँ। सीमा यह सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर का मतलब उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें आप लड़के हैं या लड़की। इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए, आपसे क्या अपेक्षाएं रखी जाएंगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह से अधिकार आपके साधन में दिए जाएंगे। ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का हैं या लड़की। ये नियम लड़के और लड़कियों को शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है समाज का एक मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने को मजबूर कर देता है। जैसे लड़कियां घर को देखेंगी और लड़के सब पैसे कमाएंगे, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप। लेकिन लड़कियां जो कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं। तुम लड़कों की तरह दोनों पैरों से चल सकती हो? हाँ, चल सकती हूँ। तब चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो, फिर भी लड़कियों को मना करते हैं बाहर दौड़ने से। सीमा सोच में पड़ जाती है। सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। आप अदरक को देखो, वही हाथ पाव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी टोका टाकी। बात तो सही है, फिर मम्मी क्यों मना करती है? जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनको भी यही कहा गया होगा कि लड़की हो तो बस घर का काम करो, बाहर मत जाओ, मत खेलो। अब वही बातें वो तुमसे कह रही हैं। चलो जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ देते हैं, अब हम मिलकर खजाना ढूंढेंगे। मैं समझ गई। ऐसा तो जंगल वाले खंडहर की तरफ जाता है। चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक गहरी खाई आती है। तो इस खाई को पार कैसे करेंगे? हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब किट्टी बताओ कैसे पार करेंगे? इन जड़ों से लटक कर। सर याहू! एक एक बार चारों लटक कर खाई को पार कर देते हैं। तुम्हारे पास चलते चलते तीनों खंडहर के पास पहुँचते हैं। खंडहर इतना डरावना था कि अदरक का पसीना छूटने लगा। नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडहर में है। मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। यही रुको, मैं अकेले जाकर ले आऊंगी। अंदर पत्थर भी हटाना पड़ सकता है। सीमा तुम कर पाओगी? तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप में फंस गए हो, सोच रहे हो लेकिन लड़की हूँ तो ये नहीं कर पाऊंगी। दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना हो मैं कर लूंगी। सीमा अंदर जाती है और पत्थर को हटाकर नीचे छुपा खजाना ढूंढ लेती है। मिल गया खजाना। सीमा खजाना को लेकर बाहर आती है तो आगे सब खुशी से झूम उठते हैं। अगले दिन सारे अखबारों में सीमा का कारनामा छपता है। टीवी पर, समाचार पर, हर जगह सीमा ने खोजा बल्लीपुर का खजाना।
अरे वाह, लड़की होकर सीमा ने यह कर दिखाया। लड़कियां तो सब काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। लड़का लड़की दोनों बराबर, आपके दिमाग में भी बराबर हो जाए। मेरा नाम आरती मौर्या, क्लास 8 में नंबर 2। मेरा नाम पिंकी भारती, क्लास 8 में सीमा। मेरा नाम ज्योति भारती, क्लास 8। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस बाबा मेठिया जिला गोंडा तारा के रूप में। मैंने भी सदा मौजा एडमिटिंग क्लास 8 हाई स्कूल नेम इज यूपीएस बाबा मेठिया और जिला गोंडा किट्टी के रूप में। नाम क्लास 6 अदरक। मैं सुनील कुमार आनंद शिक्षक और मेरा मन सुगम करता बामठिया से। इस समय हम पूरे टीम को सुधार के रूप में लेकर आए हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं।